वेलकम स्टूडेंट, टुडेज आवर टॉपिक इज व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम। तो जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम जो होता है वो जनरल मेजरमेंट सिस्टम होता है, जिसमें कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो जनरली उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो उसका जो बेसिक पार्ट होता है दैट इज द ट्रांसड्यूसर। जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम का जो बेसिक पार्ट होता है दैट इज वी कॉल द ट्रांसड्यूसर। तो जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका डिटेक्टर ऑब्लिक सेंसर एंड सेंसर ट्रांसड्यूसर स्टेज। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मेजरमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो सेंसर होता है सबसे पहले वो फिजिकल क्वांटिटी के टच में आता है, उसको सेंस करता है, और उस सेंस के बदले वो जो आउटपुट देता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि हीट के बदले वो कुछ और दे सकता है, जैसे कि एक्सेलरेशन दे सकता है, डिस्टेंस दे सकता है, या कुछ और फिजिकल क्वांटिटी दे सकता है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम आने वाले स्टेजेस से को ड्राइव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। और ये वाला जो काम है वो ट्रांसड्यूसर करता है। ट्रांसड्यूसर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। अगर वो अनदर फॉर्म इलेक्ट्रिकल फॉर्म हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर मेनली क्या करते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि इनपुट में सेंसर के थ्रू आ रही है, उसको वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दैट वी कॉल द इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंसर और ट्रांसड्यूसर दोनों में डिफरेंस समझना इस स्टेज पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेंसर क्या होता है, सेंसर इज इटसेल्फ अ कंपोनेंट जो कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के टच में आता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट है वो श्योरली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही होगा, दैट इज श्योर। मतलब जितने भी सेंसर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि ट्रांसड्यूसर भी हो, पर जितने भी ट्रांसड्यूसर हैं वो मस्ट आर सेंसर, उसमें सेंसर होता ही है। इसके अलावा ट्रांसड्यूसर का एक और फंक्शन है, वो है सिग्नल कंडीशनिंग और द सिग्नल वेरिएबल मैनिपुलेशन यूनिट। यानी कि जो भी सिग्नल अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी अगर उसको इनपुट मिल रहा है ट्रांसड्यूसर को, तो वो उसको एम्पलीफाई कर सकता है, उसमें फिल्टर हो सकता है जो कि नॉइस को हटा सकता है। तो इस प्रकार ट्रांसड्यूसर के जो फंक्शन है वो ज्यादा है, जबकि सेंसर का एक ही फंक्शन है, वो है इनपुट क्वांटिटी को सेंस करना और उसके बदले अनादर इनपुट अनादर फिजिकल क्वांटिटी को जनरेट करना या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको जनरेट करना। तो ट्रांसड्यूसर के फंक्शन ज्यादा हैं, जबकि सेंसर का एक ही फंक्शन है। और सेंसर आने वाली स्टेजेस को ड्राइव नहीं कर सकता मेजरमेंट सिस्टम की, जबकि ट्रांसड्यूसर हैज अ सम पावर जो कि आने वाली स्टेजेस में सेम सिग्नल को पास ऑन कर सकता है। तो सिग्नल जो ट्रांसड्यूसर है ये थोड़ा सा उसका फंक्शंस ब्रॉड है, और सेंसर के जो फंक्शंस है वो लिमिटेड है। और सेंसर जरूरी नहीं है कि ट्रांसड्यूसर हो, जरूरी मतलब जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसड्यूसर हो, वो ट्रांसड्यूसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि ट्रांसड्यूसर मस्ट हैव अ सेंसर। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर पढ़ रहे हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर के क्लासिफिकेशन को आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो का सबसे मेन पार्ट है कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर का डिफरेंस समझना और व्हाट इज द ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का फंक्शन क्या है।